नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रदेश सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने में लगी है, लेकिन शिक्षा विभाग इस पर अमल करने को तैयार नहीं। स्कूली बच्चों से कराए जा रहे मिड डे मील के कार्य। दरअसल पूरा मामला विकासखंड सुल्तानगंज के प्राथमिक विद्यालय जिरौली का है। यहां के एक छात्र अवनीश को विद्यालय के मिड डे मील में बनने वाले भोजन के लिए चक्की से आटा पिसवाने के लिए वहां पर तैनात रसोइया ने उसके सर पर 15 किलोग्राम गेहूं रख दिए और उसे पिसवाने के लिए भेज दिया। उसका कहना है कि विद्यालय से चक्की दूर पड़ती है और वहां तक जाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो रास्ता विद्यालय से चक्की की ओर जाता है वह काफी खराब है। क्या नाम है? अवनीश, आप जो ना आटा पिसवाने के लिए गए थे चक्की पे, तो किसकी चक्की पे गए थे? जो नापे आगी उसी पे गए थे। आपके विद्यालय से कितनी दूर है? नापे बताया जाता कि रास्ता भी खराब है वहाँ की है। तो कितने किलो निकला था आटा और किसने भेजा था तुम्हें? दीदी ने। क्या कहा था? क्या कह रहा था कि आटा डाल दो। तो क्या हमेशा हमेशा तुम ही लोग लेके जाते हो? नहीं जाते, पहली बार गए थे। है? आप यहाँ कब से रसोई का काम कर रही हैं? हम तो सज्जी आज ये कई साल हैं, चल 8-9 साल हो गए। आप पे आरोप है कि जो ना आप छात्रों से आटा पिसवाने के लिए भेज रही हैं और शिक्षक को पता भी नहीं है? नहीं सज्जी, हम साथ में जाती हूँ। तो आपका काम है आटा पिसवा के लाना वगैरह वगैरह जो भी सामान? सज्जी हमें जाओ। और टीचर का काम है कि यहाँ पे सारी पिसान जाते, लेकिन अड्डा हम ही जाते। लेकिन अब की बार कैसे तुमने बच्चों को भेज दिया? हमें अड्डा जाते सज्जी, हम अपने सिर पर लेकर जाते। थोड़ा तो 10-12 किलो। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।